Hello student, today we see the problem number third on block diagram reduction rule. So see the problem number third. This is the diagram or block diagram for problem number third. In this, firstly we observe that the diagram and which rule is suitable for solving this. Okay, so see, there is a H parameters, that is H1, H2, means it is feedback is there. But first rule, that is this feedback rule is not applicable. Firstly, we shift this takeoff point to here. Yes, shift this takeoff point to here. Then this feedback loop is applicable. And this feedback loop is applicable, and this is the second rule. Yes, so firstly we shift this takeoff point here. So apply in solution, apply rule 7. Okay, shifting takeoff point before the block. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो takeoff point है वो उसको इधर shift कर लेंगे. तो rule कैसे बनेगा, आप rule क्या है, that is this is R, then G, C. This is X, okay. Then shift this takeoff point here. Then result will be, this is R, G, and add some extra block, that is G, to shifted point X. Okay. तो takeoff point यहाँ पे हम लोगों ने shift कर लिया है. Takeoff point अगर before the block रहा तो क्या होता है, ब्रांच के इसमें एक जी ऐड होता है. ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम में क्या चेंज होगा, जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक के आगे आ रहा है टेकअप पॉइंट, वो ब्लॉक दैट इज जी टू विल ऐड टू द फीडबैक, दैट इज ब्रांच. सो जी टू कहाँ पे आएगा, इधर आएगा. ठीक है, जब टेकअप पॉइंट हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो डायग्राम कैसी बनेगी अपनी, दैट इज this is R of S, okay, this is G1, then G2, then summing point, okay, then this is G3, this is summing point G4, here it is G2, H2, G2, H2, because this takeoff point will be shifted here. Okay, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, takeoff point shift किया, इसलिए ये G2 जो है वो कहाँ पे आएगा, feedback में add हो जाएगा. उसके बाद में ये C of S बाकी जैसे के वैसे ही रहेगा. ओके, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, बाकी सेम टू सेम रखना है आपको जो भी है. ओके, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या करना है, अभी आपको फिर से ऑब्जर्व करना है ये डायग्राम में कौन से रूल्स लग सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन में देख रहे हैं कि ये क्लियरली H1, ओके, सबसे पहले जो क्लियरली हम लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे रूल लगेंगे तो लगा देंगे, जैसे कि ये है फीडबैक रूल लग सकता है रूल नंबर 3, और यहाँ पे लग सकता है रूल नंबर 2. सो हम लोग लगा देंगे, that is apply
apply rule second and third to mark portion. Okay, so सबसे पहले जो rule है वो लिख लेंगे जी टू, इसके बाद में जी वन, ये होगा आर, ये होगा सी. ओके, प्लस माइनस रहेगा इधर. उसके बाद में ये किस केस में कन्वर्ट होगा, अगर पैरेलल में हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, जी वन प्लस माइनस जी टू. ओके, आर ये सी, ये हो गया अपना सेकंड रूल. ओके, अभी थर्ड रूल भी लिख लेते हैं, जी आर सी. ओके, उसके बाद में ये हो गया एच. ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होता है अपना ये रूल, दैट इज जी अपॉन वन माइनस प्लस जी एच. ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे क्या आएगा सी. तो ये दोनों रूल लगा देंगे अपन ब्लॉक डायग्राम में, जैसे कि ये रूल लगाएगा इधर, ठीक है, और ये थर्ड रूल लगेगा इधर फिर बाद में. तो अपनी डायग्राम कैसी होगी, ब्लॉक डायग्राम, दैट इज आर ऑफ एस, बाद में फिर से समेशन, और ये जो है जैसे कि वैसे ही रहेगा, जी वन जी टू एच टू. ओके, ये जो है वो सेम टू सेम रहेगा इधर. उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, ये जो डायग्राम है इसका, इसका क्या लिखा है हम लोगों ने, इट इज दिस. तो क्या होगा, जी टू प्लस जी थ्री, ठीक है, इसका इधर लिख रहे हैं. बाद में इसका रूल लगा लेंगे ये वाला, तो क्या आएगा जी फोर, ठीक है, उसके बाद में वन प्लस जी फोर एच वन. ठीक है, तो ये हो गया अपना सी ऑफ एस. बाकी जो है वो सेम फीडबैक भी लिख लेना है अपने, वो फीडबैक लास्ट का कहाँ पे जा रहा है. ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, उसके बाद में इसको ऑब्जर्व करो, अभी यहाँ पे कौन से लगेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेते, यहाँ पे एक फीडबैक रूल लगेगा और यहाँ पे जो है कौन सा रूल लगेगा, दैट इज फर्स्ट रूल लगेगा. ठीक है, तो दोनों को रूल लगा देंगे, क्लियरली दिख रहे हैं इसलिए. देन अप्लाई रूल थर्ड एंड फर्स्ट टू मार्क पोर्शन. ठीक है, अभी थर्ड और फर्स्ट रूल लिख लेंगे. सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है अपना, अगर दो ब्लॉक क्या रहेंगे इन सीरीज में रहेंगे, ठीक है, तो क्या आता है उसका, वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, जी वन जी टू सी. ठीक है, ये हो गया इसका सीरी फर्स्ट रूल का. थर्ड रूल भी अभी लिखा था, फिर से लिखना पड़ेगा, दैट इज जी, और इधर क्या आता है एच. ओके, ये सी और ये आर. इसका कंप्रेशन कैसे लिखते हैं अपन, जी वन माइनस प्लस जी एच. ओके, ये हो गया आर और ये हो गया सी. तो दोनों रूल लगाने इधर, यहाँ पे थर्ड यहाँ पे फर्स्ट. तो कैसे बनेंगे अपने डायग्राम देखो, कैसे बनेगी, दैट इज आर ऑफ एस प्लस माइनस, यहाँ पे पैरेलल वाल, यहाँ पे थर्ड रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, जी वन क्या है
दिस, और नीचे क्या रहता है, वन प्लस जी वन जी टू एच टू, जी वन जी टू एच टू, ठीक है। उसके बाद में सेकंड इसका क्या है, सीरीज का क्या आएगा, इधर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा, जी फोर इन ब्रैकेट में जी टू प्लस जी थ्री, ठीक है, और नीचे में डिनोमिनेटर जिसकी वैसे वन प्लस जी फोर एच वन, ओके। उसके बाद में इधर आएगा सी ऑफ एस, फिर से फीडबैक भी अपने को वैसे ही रखना है, माइनस आएगा। अभी अभी कौन सा रूल लग रहा है, फिर से ये दोनों ब्लॉक कैसे हैं, सीरीज में हैं, तो फिर से कौन सा रूल लगेगा, अप्लाई रूल नंबर फर्स्ट, है ना, अप्लाई रूल फर्स्ट टू मार्क पोर्शन, ओके। अभी फर्स्ट रूल लगाएंगे तो फिर से क्या आएगा डायग्राम में, ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट रूल पहले ही लिखा है, सो तो डायग्राम में क्या आएगा, आर ऑफ एस ये समेशन, और ये दोनों कैसे होंगे, मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, जी वन जी फोर ब्रैकेट में जी टू प्लस जी थ्री, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, और नीचे का दोनों वैसे कि वैसे ही रहेगा, जी टू एच टू एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस जी फोर एच वन, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया अपना। फिर से एक फीडबैक रह गया है ना ये वाला, अभी इधर कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वन कंसिडर करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी बताया मैंने फीडबैक में, अगर कुछ भी ना हो तो यूनिटी दैट इज वन कंसिडर करते हैं, तो अभी फिर से इधर कौन सा रूल लगेगा, दैट इज रूल नंबर थ्री, सो अप्लाई रूल थ्री टू मार्क पोर्शन, ठीक है। फिर से हम लोगों ने रूल नंबर थ्री लिखा है ऊपर, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको क्या कर देंगे, डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे, क्या आएगा, आर ऑफ एस, ठीक है। फीडबैक में कैसा होता है, जी होता है अपॉन वन प्लस जी एच, ठीक है, तो जी ये पूरा है अपना, तो क्या है, जी वन जी फोर जी टू प्लस जी थ्री, ठीक है, नीचे का वैसे भी वैसे, ठीक है, ये पूरा जी मैंने इधर लिख लिया, बाद में डिनोमिनेटर में क्या आता है, वन प्लस जी एच, तो यहाँ पे जी क्या ये है और एच क्या ये है, तो लिख लेंगे, जी थ्री अपॉन वन प्लस जी वन जी टू एच टू एक ब्रैकेट में और वन प्लस जी फोर एच वन एक ब्रैकेट में, ठीक है। अभी इधर एच तो नहीं है ना, वन ही है, तो वन लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, इसको ब्लॉक बना देंगे और आउटपुट क्या रहेगा, सी ऑफ एस। अभी इधर कुछ कॉम्प्रेस हो रहा है क्यों, आर ऑफ एस और सी ऑफ एस में, तो लिखना है सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, क्या होगा, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म। अभी इधर भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा नीचे में, है ना, तो फिर से ऊपर वाली टर्म जो है वैसे ही लिखना है, जी वन जी फोर जी टू प्लस जी थ्री, ओके। डिनोमिनेटर में क्या है, वन प्लस जी वन जी टू एच टू, ये वन प्लस जी फोर एच वन, ठीक है। उसके बाद में अभी इधर क्या लगाना है आपको, दैट इज एलसीएम रूल लगाना है, तो एलसीएम का कैसे होगा, इधर न्यूमरेटर में ये मल्टीप्लिकेशन जाएगा, वन प्लस जी वन जी टू एच टू एक ब्रैकेट सेकेंड में वन प्लस जी फोर एच वन, ठीक है, प्लस ऊपर वाली टर्म वैसे ही जी वन
g4, g2 plus g3, ये वाली टर्म. उसके बाद में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये होल दैट इज दिस 1 प्लस g1 g2 h2 के और 1 प्लस g4 h1. ठीक है, फिर से जो है डिनोमिनेटर की टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी और क्या बचेगा अपना फाइनल आंसर, दैट इज g1 जो है ऊपर का वो लिखना है g4 g2 प्लस g3. ठीक है, नीचे वाले जो बची है 1 प्लस g1 g2 h2 1 प्लस g4 h1 प्लस g1 g4 g2 प्लस g3. ओके, ये हो गया अपना फाइनल आंसर. बिकॉज जो ये क्वेश्चन है उसमें से लिखा था कि फाइंड सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, सो सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस निकल गया, ये फाइनल आंसर है. थैंक यू.